इसके बाद तो वो ध्यान से देखना और स्किप मत करना बिल्कुल भी, ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एक ये पॉइंट्स रहेंगे बाइसेप ट्रेन करने के। या हाय वेलकम बैक टू अदर व्लॉग गाइस। आज करेंगे अपना बाइसेप का एक्सरसाइजेस, 3 से 4 एक्सरसाइजेस लेकर आया हूँ आपके रूटीन के लिए। न्यू एक्सरसाइजेस होंगी, कंबाइन करके चलेंगे, 2 एक्सरसाइजेस एक में ही करके चलेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा हार्डकोर और स्ट्रेंथ बने आप लोगों की। आज बेसिकली स्ट्रेंथ के ऊपर काम करेंगे आप लोगों के लिए। पहले करेंगे हैमर, हैमर के साथ साथ अपने डंबल्स भी करेंगे, 12 और 12 रेपिटेशन लेंगे दोनों एक्सरसाइज के और कंबाइन करके चलेंगे। इसमें आपकी स्ट्रेंथ अलग लेवल की गेन होगी। चलो आप लोग अपना जो वेट रहेगा अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चूज करना, थोड़ा सा यहाँ पे ले आओ। हैमर किस तरीके से करना है वो बताऊंगा, हाथों को यहाँ पे रखें और इस तरीके से धीरे धीरे, और यहाँ पे लाने के बाद थोड़ा सा ट्विस्ट करना है ताकि आपके पीक पे अच्छा खासा पंप आए। यहाँ पे लाए और ट्विस्ट धीरे धीरे डाउन, ट्विस्ट इस तरीके से करना। अब जो अपना बाइसेप का नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी इसी के साथ कंबाइन करना है। कंबाइन करने का एक फायदा रहेगा, आपकी स्ट्रेंथ बहुत 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 ज्यादा गेन हो जाएगी गाइस, और टेक्निक के साथ करना मजा आएगा। सिंपल है, सामने रखें हाथ को यहाँ पे और इस तरीके यहाँ इस रेंज ऑफ मोशन तक लाए और यहाँ पे ट्विस्ट करना है ताकि आपका जो ये वाला साइज रहेगा, ये वाला जो पीक रहेगा, बहुत अच्छे से बहुत अच्छे इफेक्ट आएंगे। चलो यहाँ पर लाए एंड ट्विस्ट डाउन, ट्विस्ट दोनों हाथों से एक साथ कर सकते हो, सिंगल हाथ से करना है सिंगल हाथ से कर सकते हो, क्यों जैसा आप लोगों को अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस कर पाओ उस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज ऐड करना। चलते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज पे। तो गाइस अपनी जो दूसरी एक्सरसाइज रहेगी करेंगे रॉड से, कर्ल रॉड से करेंगे। अगर आपके पास कर्ल रॉड नहीं है और आपके पास डंबल भी नहीं है तो आप ब्रिक्स से कर सकते हैं ये एक्सरसाइज। अगर आपके पास सिर्फ होम वर्कआउट का ही ऑप्शन है तो आप लोगों के लिए बेसिक एक्सरसाइज है और बेसिक और इफेक्टिव एक्सरसाइज आप लोगों को बाइसेप ट्रेन करने के लिए। चलो मैं करके दिखाऊंगा, सेम परफॉर्मेंस करनी है, सेम रेंज ऑफ मोशन, सेम वेरिएशंस में आपको एड ऑन करना है, अपडेट करनी है ये एक्सरसाइज अपने रूटीन में। चलो वेट मैंने अपने हिसाब से लिया है 2.5 और 2.5, 5, ज्यादा हैवी वेट करके दिखाऊंगा भी नहीं, क्यों क्योंकि इस पे बैलेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है आपके लोअर बैक के वजह से। चलो क्लोज पकड़ना है, क्लोज करना है यहाँ पे रखो, चेस्ट अपर रखनी है, थोड़ा वाइड ले लो और इस तरीके से पूरा स्ट्रेच करना है ये इस तरीके से। गर्दन अपर रखनी है, यहाँ पे फुल ऑन अपना प्रेशर देना है, टेंशन देनी है मसल को, धीरे 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 डाउन। देखने में लग रहा होगा इजी है पर जब करोगे ना आपके फटके बाहर आएगा और पीक पे ज्यादा काम करेगा ये, आपके पीक को बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेस देगा पीक वाली मसल को। तो एड ऑन करना मेरे कहने से, क्योंकि जो करते ही हो आप मजा आएगा आपको ये वाली एक्सरसाइज करने में। चलते अपनी तीसरी एक्सरसाइज पे। तो अपनी जो तीसरी एक्सरसाइज रहेगी करेंगे रॉड पे अपने इस वाले पार्ट को, यानी कि ब्रैकियलिस जो हमारी मसल है उसको ट्रेन करेंगे। और अपने फ्रंट के लिए हमने 2 एक्सरसाइज यानी कि ऑलमोस्ट 3 एक्सरसाइजेस कर चुके हैं, तो अपने साइड वाली मसल के और ट्रेन कैसे करेंगे वो बताऊंगा, और इसके साथ एक बहुत बहुत बेस्ट एक्सरसाइज एड ऑन करूंगा इसके बाद। तो वो ध्यान से देखना और स्किप मत करना बिल्कुल भी ये वीडियो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहेगी ये, पॉइंट्स रहेंगे आपके बाइसेप को ट्रेन करने के लिए। तो चलो लाइट वेट ही रखना, लाइट वेट में हालत टाइट हो जानी है आप लोगों की, गारंटी है। वाइड पकड़ना बिल्कुल इस तरीके से, और यहाँ पे आके स्क्वीज करना है, टेंशन देना है मसल को धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे जाओगे लेकर उतना ज्यादा मजा आएगा। इसी तरीके से सेम वेरिएशन में करना है, 12 रेपिटेशन से नहीं, इसके साथ अब कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। रिवर्स ग्रिप पकड़नी है आपने, जिसमें आपके फोरआर्म्स ट्रेन होंगे ही होंगे, आपकी साइड वाली मसल बहुत बहुत अच्छे से ट्रेन होगी। चलो और सिर्फ हाफ हाफ लेना है,
इसके भी रेपिटेशन जितने निकाल सकते हो निकालना, क्योंकि आई नो जब आप अपनी ये वाली एक्सरसाइज करोगे तो फोर आर्म्स मसल्स ऑलरेडी टायर्ड हो जाएंगे, भर जाएंगे, तो आप लोग ये उठाने लायक नहीं रहोगे, चाहे चार लगे पांच लगे, पर करना जरूर, स्किप मत करना और फेलियर तक जाना, आपके बाइसेप्स को बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। चलते हैं अपनी लास्ट एंड फोर्थ एक्सरसाइज पे। तो गाइस अपनी जो लास्ट एंड फोर्थ एक्सरसाइज रहेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहेगी आप लोगों को अपना पीक और इनर साइड वाला जो बाइसेप रहेगा वो ट्रेन करने के लिए। 2 मिनट लगेंगे ये एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करने में अपने घर के अंदर, अगर सिर्फ होम वर्कआउट पे डिपेंड हो आप तो ये वाली एक्सरसाइज जरूर करना। किस तरीके से करेंगे वो बताऊंगा, नीचे बैठ जाओ। डंबल है तो डंबल लेना जरूर, क्योंकि डंबल से करोगे तो बेस्ट इफेक्ट चाहिए आप लोगों को आपके बाइसेप पे। और डंबल नहीं है तो ब्रेक से कर सकते हो। इस तरीके से करेंगे, हाथों को इस तरीके से आगे रखें, क्लोज ग्रिप रहेगी तो आपके पीक पे बहुत बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। क्लोज ग्रिप करेंगे इस पे, वेट आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग रखें, क्योंकि अगर आप वेट अप एंड डाउन रखोगे यानी कि ज्यादा रखोगे तो आप उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। तो चलो इस तरीके से ग्रिप रखनी है, डाउन 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 एंड ये यहाँ पे पूरा स्ट्रेच करके स्क्वीज करना है अपने मसल को। यहाँ पे ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ये वाली एक्सरसाइज जरूर एड ऑन करना अपने रूटीन पे, मेरे कहने पे रिक्वेस्ट यू गाइस के एड ऑन जरूर करना, बहुत बहुत इंपैक्टफुल एक्सरसाइज है, बहुत मजा आएगा, एक्साइटमेंट रहेगी नेक्स्ट टाइम जब ये एक्सरसाइज आप ऐड करोगे और परफॉर्म करोगे जिम में या घर में, मजा आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो 4-5-6 एक्सरसाइजेस मैंने बताई हैं बाइसेप पे आप ऐड ऑन करोगे और आप पसंद करोगे। और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, मैं ऐसे ब्लॉग्स ऐसे सेशंस बनाता रहता हूँ फिटनेस से रिलेटेड। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।